जब हो रही हो इतनी मजेदार बारिश तो कुछ चटपटा तो बनता है। अब भाई हमारे पास स्ट्रीट फूड नहीं है, नहीं है यहाँ पे गोल गप्पों की रेड़ियाँ, समोसे, पकोड़े, बेसन के नान की रेड़ियाँ, हम क्या करें। तो हमारे पास ये हल्दीराम्स जो हर मुल्क में मिलता है। ये हल्दीराम मैंने ट्राई किया था अमेरिका में भी, और भाई ये मुझे यूरोप में भी मिल गया। अब ये गोलगप्पे ना मैं बताती हूँ खा के कैसे हैं। चलो जी इसकी मैं करती हूँ ओपनिंग, देखते हैं इसके अंदर यहाँ पर क्या कुछ निकलता है। सबसे पहले हम ओपन करते हैं अपने गोल गप्पों को। मुझे तो भाई स्पाइसी चीज़ें और इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद है। जोर की पैक की हुई है क्योंकि एक साल पहले की ये बनी हुई है। मैं वीकेंड में बड़ा खुश रहती हूँ क्योंकि तब मेरे हस्बैंड होते हैं घर और वो मेरी फुल टाइम मदद कराते हैं, और जब कोई एक बंदा घर पे हो ना तो फिर ज़रा बंदा खुश रहता है। अकेले रहने से ना तो मुझे तो अकेला रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वाओ लुक, ये अंदर से ऐसे है जैसे एग्स को नहीं रखते हम। टन टना, ये देखो जनाब, ये है हमारे गोल गप्पे। अच्छा उसके बाद हम ओपन करते हैं ये, देखते हैं ये क्या है। ग्रीन कलर की है चटनी, यू कैन सी। ओह खुशबू, ये मुझे लगता है इनके चने हैं। यस ये हैं इनके चने, बूंदी चने काइंड ऑफ, क्योंकि ये इंडियन है ना तो इंडियन पानी पूरी ऐसी होती है मुझे लगता है। यह चने खा के बताती हूँ मुझे, ठीक है। चूर और वैसे आप लोग कितने लकी हैं, जाते हैं आराम से बने बनाए खा लेते हैं। हम लोगों ने ये लिया है अराउंड, ओके मैं आपको देख के बताती हूँ, इट्स फॉर 199 क्राउन, जो बनते हैं अराउंड पाकिस्तानी 1800-1900। और पाकिस्तान में तो लेविश जगह पे भी ना, लेविश जगह पे भी 300-400 की ना मज़े की प्लेट मिल जाती है, और वैसे जो रेडी शेडी से मैं खाती हूँ वहाँ पे तो 100 रुपए की भी मिल जाती है। चलो अब 200 की होगी होगी, महंगाई वहाँ पे भी हो गई है ना, लेकिन वैसा टेस्ट नहीं है। चलो अब ये देखते हैं ये क्या है। कंटा तो है ना, ये इमली की चटनी है। मैं सोच रही हूँ इनकी खट्टा पानी नहीं है। बूंदी पानीपुरी पेस्ट विद स्वीट स्पेशल मैंगो सॉस, तो मैं सोच रही हूँ इसमें पानी डाल के और लेमन डाल के इसको हम बना लेते हैं खट्टा पानी। ले आए हैं एक निबुड़ा निबुड़ा निबुड़ा, अरे काचा काचा छोटा छोटा निबुड़ा लाई दो, अरे लाई दो लाई दो लाई दो लाई दो लाई दो लाई दो। आगे क्या था सर? निबुड़ा लाई दो। हाँ ठीक है जनाब, ये मेरे उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। ये नींबू ना सबसे पहले जाएगा इस करारी चाट में। कह रहे मैं इधर ही ठीक हूँ, मैं गोल गप्पों का वेट कर रहा हूँ। हाँ चले मैं बाबू गोल गप्पा बना के देती हूँ। ये ले जनाब, यार वैसे ये गोल गप्पा नहीं गोल गप्पी है जो होती है, गोल गप्पी इतनी स्मॉल साइज। मैं इसको बनाऊंगी अपने स्टाइल से, एक में मैं फिलिंग करूंगी इनकी मतलब जो इन लोगों ने दी है, और एक में मैंने ये अपना ही चना चाट ना खुद से बनाई थी। इसमें मैंने चने बॉईल किए थे और एक रात ना उनको भिगो के रख दिया था। बॉईल करने के बाद प्याज जो थे ना उनको मैंने ना ठंडे पानी में रखा था। आइस में रख लें तो प्याज की ना अंदर करवाहट वो ख़त्म हो जाती है, मुझे मेरी एक फ्रेंड ने टिप बताई थी। और इसके बाद मैंने इमली डाली है और चना चाट डाली है, अब मैं इसको ट्राई करती हूँ। वो मुझे किया नहीं, तो हमारा गोलगप्पा चैलेंज शुरू होने लगे हैं। आपके पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 और मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7। मैंने एक अपना ज़्यादा रखा है कि मुझे लगता है मैं ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ और मैं जल्दी से इसको फिनिश कर लूँगी। सो देखते हैं कौन जीतता है, लेट्स सी। ओहम वैसे अगर मेरे चने ना होते ना तो ये मजे का ना लगता। हसन जीत रहा है मेरे ज्यादा, इतना कम है।
मैं गोलगप्पा चैंपियन हूँ। अच्छा, लेकिन मैं अपने गोलगप्पा थोड़ा मीठा खा रहा हूँ और मैं थोड़ा स्पाइसी। जो गोलगप्पा जीतेगा ना उसको मिलेंगे, क्या मिलेगा उसको? $1,000। $1,000 नहीं है मेरे पास, $1,000 रुपया। $1,000 कर लेते हैं, मुझे लगा मैं जीत जाऊंगी। कल ठीक है, इस खट्टे से बेहतर है कि इमली की चटनी डाल लो। डालो ज़्यादा डालो। मेरा एक एक्स्ट्रा था, $1,000। मनी इन अकाउंट अभी। और मैं दुनिया की जितनी भी आवाम मुझे देख रही है, पाकिस्तान की कितनी हसन आबादी होगी है? 22 करोड़। इनफैक्ट इंडिया की इससे भी ज्यादा होगी। उन सबके सामने इस बात का इतराफ़ करती हूँ कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। पता नहीं अब मैं बीवी कैसी हूँ, वो तो आपको वही बताएंगे, लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। और अल्लाह मियाँ हम सब लड़कियों की नसीब अच्छे करे जिनकी शादी होने वाली है, और सबको हसन जैसा अच्छा सुशील हस्बैंड से नवाजे। मैं आपकी तारीफ की, आप मुझे कहते हो मैं आपकी तारीफ नहीं करती। नहीं अब बताओ, तुम खुश हो कि शर्म आ रही है? आज हसन कुकिंग भी कर रहा है। हसन को सिर्फ दो चीज़ें बनानी आती हैं, वन इज सूप, सेकंड इज चिकन पुलाव। लेकिन मुझे बार बार बताना पड़ता है कि उसमें क्या डालना है। मैं सोच रही हूँ वो रेसिपी ना यूट्यूब पर डाल दूँ, सो दैट ही कैन वॉच एंड ही कैन। एनीवेज, आज के एपिसोड में मुझे तो बहुत मज़ा आया, आई होप आपको भी मज़ा आया होगा। तब तक आप अपना बहुत सा ख्याल रखें और ढेर सारी दुआएं आप सब लोगों के लिए। गुड बाय, सी यू सून।